और यार अभी अभी एक मौत का खेल होने वाला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, कर दो फिर, कर दो कर दो। अब एक बार ये मौका खेल करने वाला हूँ मैं। करो गिनती की नोट। 1 2 3 हेलो तो यार, वेलकम हो गया सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज का ये ब्लॉग हमने रात में स्टार्ट कर दिया है, मतलब मैंने पुराने ब्लॉग की एडिटिंग कंप्लीट करी और ये ब्लॉग मैंने रात में स्टार्ट कर दिया। अब इसका रीजन है लॉर्ड पुनीत। हमने सोचा भाई, मतलब जो हमारा रियल रिएक्शन रहेगा हमारा, वो देना तो बनता है। मैंने लाइफ में आज तक बिग बॉस नहीं देखा है, मतलब कितने 16-17 सीजन हो गए ना, मैंने आज तक बिग बॉस देखा ही नहीं है। तो मैं बस पुनीत भाई की वजह से ये बिग बॉस देख रहा हूँ, और वो भी मतलब अभी जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो पुनीत भाई को भगा दिया, उसकी वजह से मैं देख रहा हूँ। मतलब लाइफ में तूने देखा है बिग बॉस इससे पहले? बिग बॉस देखा है तूने इससे पहले? मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा है ना भाई, मैंने भी नहीं देखा है। और सच बताऊं, मैंने ये जियो सिनेमा पहली बार ही ऑन किया है, मतलब आईपीएल के टाइम पे तो ऑन हुआ था, लेकिन खाली पुनीत भाई के लिए मैंने ऑन किया है। देखते हैं भाई अगर कैसा लगता है सीन। मतलब अभी हम पहले पूरा एपिसोड देखते हैं, उसके बाद आपको रियल रिएक्शन बताएंगे कि कैसा आया हमें मजा देख के। वैसे मैक्सिमम एपिसोड तो हम लोगों ने रील्स पे ही देख लिया है, जो भी एपिक सीन थे वो लोगों ने रील्स पे उठा उठा के डाल दिए, लेकिन फिर भी हम अपने नजरिए से देखेंगे और आपको बताएंगे बाद में। एक सीन हमने देखा, वो हम 2-3 बार रिपीट में देख चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पुनीत का गुड मॉर्निंग, खोलो आप, खोलो मैंने फिर बोले आप, खोलो मैंने ओपन योर आईज, इतनी तो इंग्लिश हमें भी आती है। और यार अभी अभी एक मौत का खेल होने वाला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जितने ज्यादा दिन रहे ना उतनी ज्यादा हरकत है, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सूट करता भाई। कर दो फिर, कर दो कर दो। अब एक बार ये मौका खेल करने वाला हूँ मैं। करो गिनती की नोट। 1 2 3 भाई उसके पीछे वाली की शक्ल देखो एक बार, तू बंदा है, इसकी शक्ल देखो इसकी एक बार। तो यार लाइफ में मैंने आज तक बिग बॉस नहीं देखा, आज पहली बार देखा, वो भी पुनीत भाई की वजह से। तो यार मतलब ये एक एपिसोड इतना एंटरटेनिंग था, मैं तो कह रहा हूँ अगर भाई सच में मतलब पुनीत की एंट्री वापस हो जाती है वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो भाई मजा आ जाएगा कसम से भाई। जो एक दिन में जीना हराम कराया ना लोगों का, इन लोग को दाल आटे का भाव पता चल गया बस। मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई एंट्री वापस होनी चाहिए पुनीत की। तू क्या कह चाहता है? वापस होनी चाहिए यार, मजा आए भाई। बिग बॉस किस लिए बनाए? हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ। और ऑडियंस को क्या चाहिए? पुनीत सुपरस्टार। हाँ। तो भाई वापस लेके आओ, वैसे देखते हैं चलो आते हैं नहीं आते वापस। फिलहाल अभी रात के 3 बज चुके हैं, तो मैं आपसे मिलूंगा सीधा सुबह। ठीक, हेलो। तो यार गुड मॉर्निंग हो गई है, अभी हम लोग उठ गए हैं सो के। अभी तो नहीं उठे हैं, मतलब उठ तो बहुत पहले गए थे, अभी भाई 3 बज चुके हैं। तो मैंने सोचा भाई आराम से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं नहा धो के। तो अभी हम लोग नहा के आ गए हैं, ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज मैं सोच रहा हूँ कि यार इंस्टाग्राम पे भी रील बनाना चालू करते हैं। तो एलेक्स चले आज रील बनाने के लिए कोई? ओके चले। तो मैं सोच रहा हूँ आज मतलब ऐसी शुरुआत कर देते हैं इंस्टाग्राम पे भी। तो आज इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं। और आज एक और मेन काम है, लाली को बर्गर भी तो खिलाना है। चलो फिलहाल पहले हम करते हैं वीडियो, मतलब अपनी रील शूट करते हैं चल के, फिर लाली को बर्गर खिलाते हैं चल के। उसके बाद भाई कुछ काम तो है नहीं इतना ज्यादा, जिम जाएंगे। वो भी यार मतलब जिम का सीन बताऊं मैं आपको, पता नहीं क्या सीन हो गया मेरे साथ, जिम जा ही नहीं पा रहा हूँ यार मैं बिल्कुल। सुबह सोचते हैं शाम को जाएंगे, शाम को सोचते सुबह सोचते हैं चलो यार शाम को चले जाएंगे, शाम को सोचते हैं चलो यार सुबह चले जाएंगे, मतलब पूरा दिन हमारा ऐसे कट जाता है। फिलहाल अभी तो सबसे पहले हम करते हैं एक वीडियो की स्क्रिप्टिंग करते हैं, मतलब रील्स के लिए पहले कुछ सोचते हैं, मन में आइडिया लाते हैं कि हमें क्या बनाना है। जब आइडिया हमारे मन में आ जाएगा उसके बाद हम लोग चलेंगे शूट करने के लिए। और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है यार बाहर का आज, मतलब मानसून आ गया है तो बारिश का मौसम जैसा हो गया है। तो अभी हम चलेंगे, कार से नहीं चलेंगे बाइक से चलेंगे आज, बाइक से ज्यादा मजा आएगा। तो चलो स्क्रिप्टिंग करते हैं उसके बाद चलते हैं। वैसे यार कुछ भी कहो आज बिल्कुल तो हिप हॉप आर्टिस्ट नहीं होते हैं कैप पहन के। तूने वो देखे होंगे, मतलब पहले जो हॉलीवुड की मूवीज आती थी उनमें एक बंदा होता था पतला सा, बैगी जींस पहन के और ऐसी कैप पहना होता था, बस तू डांस नहीं कर पाएगा उसकी तरह। अरे कर ले रहा है यार, और कुछ नई स्टाइल। अरे वाह यार तू तो मल्टी टैलेंटेड बंदा है, कहां से सीखा आपने ये? अरे भाई अरे देखो माइकल इंजेक्शन। और कुछ और भी बचा है? अरे ये तूने कहां से सीखा ये डांस, ये तो बता। मेरा नाम आदत है चले भेजा। चल एक और बार।
मतलब गाना गाते गाते डांस कर दे एक बार चल। अरे अरे कहाँ निकल गया कहाँ निकल गया भाई कुछ भी कहो डांस मजाक से हट के बढ़िया डांस कर ले रहा है। हाँ सही में सीख गया है। चलो एक काम करते हैं। अरे यार मैं ये भी सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ एक रील बनाते हैं। मेरे मन में आइडिया आया है, तुझे चैलेंज देते हैं मार्केट में लड़की बन के जाना है तुझे, बता कर लेगा भाई? मतलब मैंने एक रील सोची है, उसमें हम इसको चैलेंज, मतलब इसको चैलेंज ही देंगे, हम बॉटल स्पिन करेंगे और जिसके ऊपर बॉटल का मतलब मुंह आएगा तो उसको चैलेंज करना पड़ेगा। अगर तेरे ऊपर आया तो तुझे लड़की बनना पड़ेगा, बन जाएगा? अरे बोलता काहे नहीं है भाई, पैसे पैसे मैं तुझे दूंगा पूरे 10 रुपए फिलहाल। अभी हम लोग चलते हैं, मैंने मतलब सोच लिया है कि हमें क्या रील बनानी है, तो अभी बाहर मौसम भी अच्छा हो रहा है, बाहर चलते हैं और रील शूट करके आते हैं। तो अभी हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, इतनी देर में लाली की भी एंट्री हो गई। और तू आज इतना स्मार्ट कैसे लग रहा है, नहा क्या है? अरे वाह, पाउडर कम, पाउडर थोड़ा और दिया, पाउडर तो लगा इसके मुंह पे कम से कम, थोड़ा पाउडर लगाई नहीं ना यार, अभी लगाया नहीं ना, तूने छुड़ा दिया सब, पाउडर दिख नहीं रहा तेरे मुंह पे, यहाँ गर्दन पे भी लगा, गर्दन पे देख कितनी घमोरियां हो रही हैं इसके, मुंह पे लगा पहले। अम्मा लगाती थी? हाँ मम्मी ऐसे लगाती है जैसे एलेक्स मम्मी बन गया है लाली की, अब मत्थे पे लगा थोड़ा सा, पापा बोल सकते हो, मुंह पे लगा, मुंह पे थोड़ा सा, ले मुंह पे लगा, अपने आप लगा, अपने हाथ से लगाएगा, बस 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 उधर 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 दोनों हाथ में मसल, अरे झाड़ मत झाड़ मत, पहन ले हटा, चल सही है मसल दे, अब सही लग रहा है भाई, अब लग रहा है तू स्मार्ट एकदम। अगर लड़कियों ने तुझे देख लिया भाई लड़कियां फिदा हो जाएंगी इस पे, है ना? दिखा दिखा, नहीं नहीं छोटा मत, सही लग रहा है, तू भी लगा ले, तू भी लगा, लाली इतना स्मार्ट बन गया, एलेक्स को जलन हो रही है, मतलब लाली से जलन हो रही है तुझे। तू भी स्मार्ट बन जा पाउडर लगा के, बन जा भाई, देखते हैं तू बनता है नहीं बनता है। अरे देखा, अरे भाई साहब, और ले थोड़ा सा, माथे पर लगा, माथे पर नाक पे, इधर तो दिखा। पुनीत सुपरस्टार का तू क्या बोलू यार, कुछ नहीं है भाई, वो लॉर्ड है यार, कॉपी किसी कर रहा है तू ही बता। अब स्मार्ट लग रहा है वैसे तू, ऐसा है ना नवरतन लगाया है ना तूने, नाइसिल है, नाइसिल लगाया है, लेकिन कोई बात नहीं, ठंडा हो जाएगा चेहरा इसी तरह, बिल्कुल लेकिन कुछ भी कहो, लाली जो स्मार्ट लग रहा है ना, ऐसा ऐसा लग रहा है मुनोचा आ गया, हंस के दिखा, ये देख लग रहा है, लग रहा है जैसे मुनोचा आ गया बच्चे पकड़ने वाला। तो भाई अभी भाई एलेक्स ऐसा हुलिया बना के, मतलब पुनीत सुपरस्टार तो नहीं लग रहा है लेकिन जॉम्बी जरूर लग रहा है, आ जा भाई। जॉम्बी आ गया भाई, पुनीत सुपरस्टार यानी कि लॉर्ड सिर्फ एक ही है। यार किस कर ले लाली के, ये कह रहा लाली किस नहीं कर रहे हैं, अब तो नहा के भी आ गया। लेस्बियन थोड़ी, लड़के लड़के लेस्बियन थोड़ी होते, वो तो कुछ और होते हैं। तो क्या होते हैं? गे लाली गे तू ना? तो लेस्बियन है ना, लेस्बियन है वो तो यार, लड़कियां पसंद है ना तुझे, लड़कियां पसंद है लड़के, लड़कियां तो लेस्बियन है इसका मतलब तू। मौत का खेल अभी कर रहा है। और कर चल कुछ करतब करके दिखा, ये तो मौत, एक मौत का खेल हुआ, दूसरा मौत का खेल क्या करेगा वाला? चल दूसरा मौत का खेल करके दिखा दे तू, नाली का पानी मुंह पे डाल दे, मान जाऊंगा। डर गया? अरे भाई तो तू पुनीत की लॉटरी टक्कर कैसे कर पाएगा ये बता, मोहल्ले में कदर काट दे रहा। चल ठीक है रोड पे आ जा, आ जा गेट पर आ जा, अभी चप्पल पहन लो,
चप्पल में चार बच्चे डर बच्चे आ रहे हैं बच्चे आ रहे हैं चल आगे तक जाओ आगे तक चल हिम्मत चल चल मौत का खेल भाई उसे डरा क्या गाय को डरा क्या गाय को बच्चे आ रहे बच्चे बच्चे आ रहे हैं चल आ जा जा चल रेडी चल चल आ जा घर में चल रहे भाई बहुत ज्यादा मौत का खेल है ऐसा है ना उससे पहले कोई तुझे पीटे निकल लो चुपचाप घर में तो यार अभी हम लोग बाहर आ गए हैं और एलेक्स भी आ गया है और एलेक्स लड़ा रहा है मतलब पंजा ये एलेक्स का चचेरा भाई है देखते हैं कौन जीतता है ठीक है चलो रेडी हो जाओ हाँ चलो स्टार्ट स्टार्ट अरे रजत ताकत बेइज्जती नहीं होनी चाहिए बेइज्जती नहीं होनी चाहिए रजत अरे बेइज्जती नहीं होनी चाहिए उठा दे खींच खींच नहीं उठा रजत का रिएक्शन लो रजत उठा दे खींच रजत बेइज्जती हो जाएगी बस हवा निकल गई कोली उठ रही चल 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 रजत की हार गया जीत गया तो यहाँ पे एलेक्स ने अपने स्टेप ब्रो को हरा दिया है भाई यार स्टेप ब्रदर ना भाई है ब्रदर तो है जो सकल मैच हो रही देखो दोनों दिखा दिखा ये ज्यादा स्मार्ट है थोड़ा तुझसे अब ये हंसेगा और स्मार्ट लगेगा दांत दिखेंगे जब इसके छोटा है मुझसे छोटा है तीन साल छोटा है कम से कम तीन चार साल मैं ये 18 का 20 का है तू कितने का है तू कितने का है तू 17 का है लेकिन भाई 17 का आया देख फिर उसने तुझे पूरा टक्कर दी उसने तुझे है ना यार मैं तो भी अंदर आके बैठ गया बाहर तो बहुत ही खतरनाक गर्मी हो रही है और एलेक्स बच्चों के साथ खेल रहा है गर्मी में ही फिलहाल बच्चों को इतनी गर्मी लगती नहीं है क्योंकि जब हम भी बच्चे थे तो हमें भी गर्मी बिल्कुल नहीं लगती थी पूरी दोपहर में मतलब बार बार घूमते रहते थे घर वाले डांटते थे कि घर में रहो तो मैं समझ सकता हूँ बच्चों को गर्मी पता नहीं चलती होगी लेकिन भाई अब हमें पता चल रहा है गर्मी कितनी ज्यादा तो मैंने तो मस्त एसी चला लिया आके और ये पसीना सूख जाएगा थोड़ी देर में और यार मैं रूम में आके बैठा था तब तक हमारे कुछ भाई लोग आ गए मिलने के लिए और भाई की डिमांड थी इस वाले भाई की डिमांड थी कि व्लॉग में ले लो चलो ले लिया भाई को व्लॉग में ठीक है क्या नाम है तुम्हारा कृष्णा और भाई का मेरा नाम रोहित है सुनाते हो ना आप लोग भी चलो बनाओ बढ़िया करके ग्रो करो अच्छे से है ना वही है जो भी बनाओ अच्छा बनाओ एकदम ठीक रोज की तरह हमारी ब्लैक कॉफी आ चुकी है और कॉफी हमेशा की तरह बनाई है मिस्टर एलेक्स ने तो इसका पूरा क्रेडिट अच्छा चीयर्स आप सच्चाई दिखा दे कप खाली है भाई इसका मेरी चाय बन रही है ना मतलब ये ब्लैक कॉफी पीता नहीं है चाय पीता है सिर्फ तो चलो हम लोग कॉफी पीते हैं क्यों कहता है ना हाँ। कॉफी पीऊंगा तो खाली पीऊंगा हाँ। चाय पीऊंगा मतलब 5-6 समोसे ही पी लूंगा हाँ ये भी है ये टेक्निक है तेरी मतलब भाई इसकी टेक्निक ये है अगर कॉफी पिएगा तो ब्लैक कॉफी पीनी पड़ेगी उसके साथ ये कुछ खा नहीं सकता है लेकिन चाय पिएगा तो चाय के साथ जो हमारी बेकरी में बिस्किट बनते हैं वो खाएगा ये तो ये चालाकी है तेरी क्या बेटे भाई पुनीत की आत्मा इसके अंदर जाने का नाम मिली थी अच्छा सच बता तू पुनीत का पहले इतना बड़ा फैन नहीं था बिग बॉस के बाद ज्यादा हो गया बहुत ज्यादा हो गया नहीं पहले देखता था मीम देखता था उसके बाद लेकिन बिग बॉस के बाद तो ज्यादा हो गया बिग बॉस अरे भाई रात से ज्यादा हो गया जब से भाई हम लोगों ने मतलब पूरा एपिसोड देखा है ना पुनीत सुपरस्टार वाला तब से हम लोग बहुत तगड़े फैन हो गए कैमरों को हाथ लगाता है वो अपने आप को मार रहा है मुंडे कैमरों के भाई क्या? मैं कसम से बता रहा हूँ मैंने बिग बॉस आज तक नहीं देखा था लाइफ में 17 साल हो गए 16-17 साल मैंने कभी देखा ही नहीं लेकिन पुनीत की वजह से मैंने पहली बार देखा और मजा आ गया भाई पहली बार देखने में पहली बार वापस आना चाहिए उसको आना चाहिए वापस लाओ बिग बॉस वालों बाकी अगर पुनीत वापस नहीं आया तो फुकरा इंसान को जीतना चाहिए है ना फुकरा भाई ऑल द बेस्ट वैसे सच बताऊं ये जानता नहीं हुआ फुकरा इंसान को जानता हूं मैं कौन है बता ट्रिगर्ड इंसान के भाई है छोटे ये देखो अरे भाई यही तो बेइज्जती है मतलब तू फुकरा इंसान को फुकरा इंसान के कंटेंट की वजह से जानना ट्रिगर्ड इंसान की वजह से जान रहा है कि ट्रिगर्ड इंसान का भाई है तो इस समोसे की बात कर रहे थे हम लोग जो हमारी बेकरी में बनते हैं बिस्किट चाय वाले वो भी 10 रुपए का एक है 10 का नहीं है तो 5 का एक है ये है 5 का एक ये 5 के वाला हाँ मैं भी ट्राई करके देखता हूँ आज बहुत दिनों से खाया नहीं है और ले आऊंगा और ले आना क्या हालत हो गई तेरी हाथ छोड़ बनियान छोड़ लीजिए कहाँ लड़के आया है पेल के आया हूँ यार पिट के थोड़े आया हूँ पिट के आया पेल के देख लो इनसे बोल लो ऐसा है तो मिला के वो दो वो इसने मारा कुछ पागल दो लोगों से आपस में वो भी अकेले मार रहे ऐसा चुप अभी चुप
चुप चुप हाफ रहा हाफ रहा। अभी लड़ाई करते क्यों तुम लोग, ये तो बताओ क्यों लड़ाई कराई किसने? इसने कराई होगी जरूर। नहीं सुनो हाँ। सुनो वो बहुत दिन से कर था ना, तुझे मार लूंगा मैंने कहा तू लड़ी ले देख लेता हूँ तेरी पावर। फिर मैंने लिया हाँ दो क्या पूजे ने सबके सामने मारा, कितने लोग बैठे थे आसुया बैठे थे। अच्छा चलो सही है, मतलब हमारा लाली बेइज्जती करवा के नहीं आया, पीट के आया पिट के नहीं आया ना। मगर एक बात है उसके जो छोटा वाला भाई था उसने उसके दो दिन कद्दू नहीं मारे, मैंने कि हट तू अब गए तब वो हट गया था। बोले तेरी पैर के तू भैया मारेगा मेरे तेरी पैर छोटा वाला मान नहीं पाया, वो हट गया था, वो चिल्ला गया यार वो अरे टी शर्ट तेरी वो बना दिया जो औरतें पहनती हैं, इतने इतने गले वाले ब्लाउज पहनती हैं। हटा हाथ उठा हाथ उठा, ये ब्लाउज बन गया इसका, क्लीवेज दिख रहा है लाली का। चल वो सही हो जाएगी सही धुल के सही हो जाएगी। तुम लोग आ चुके बाहर रूम से बाहर आदमी सॉरी, तो मैं रूम से बाहर आ गया हूँ। क्या सो रहे? तो मैं गया हूँ रूम से बाहर और क्या नाम है जी गाड़ी का उसका मतलब वाइपर का पानी खत्म हो गया था ना इसमें, तो आंसू पानी डाल रहा है यहाँ पर, तो पानी हमारा पड़ गया है गाड़ी में। पूछते हैं एक बार आंसू से गाड़ी पानी पड़ गया पानी गया। तो गाड़ी में पानी हो गया है पूरा। अब चलते हैं अंदर भाई के पास, क्या है। तो यार अभी आ चुका हूँ मैं घर में और आके हम लोगों ने खाया सबसे पहले खाना। खाना खाने के बाद बस फ्री हो गए हम लोग। वैसे जिम जाने का पता नहीं क्या सीन हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ जिम जाऊंगा। अम्मी सुबह पक्का उठा देना ठीक है, उठा देना, उठ जाऊंगा पक्का उठ जाऊंगा। सुबह तीन चक्कर लगाना मतलब कल मैंने अम्मी को बोला था कि मुझे सुबह 8 बजे उठा देना, तो अम्मी 3 बार उठाने आई और मैं पता नहीं यार उठा ही नहीं। फिलहाल चलो कल उठाना पक्का, प्रॉमिस है आपकी। पानी डालना मतलब ऐसे उठा देना। अरे तुम्हें काम करना अम्मी, मैं ट्रिक बताता हूँ तुम्हें उठाने की। तुम्हें काम करना मेरे लिए कॉफी बना के ले आना, मैं जब कॉफी सामने देखूंगा तो उठना ही पड़ेगा पीने के लिए। 8 बजे 7 जल्दी हो जाएगा ठीक है। तो 8 बजे तुम मुझे उठा देना, क्योंकि यार पता है 11-12 बजे हम लोग सो के उठ रहे हैं तो पूरा दिन बेकार हो जा रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहे पूरे दिन में। तो जल्दी उठ जाएंगे सो के तो हम व्लॉग अच्छे से कर सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं घूमने के लिए। फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में ठीक।